ताकि सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सीबीएसई के सभी क्वेश्चंस और आंसर एफएक्यूज का हवाला दिया था और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हमने जाने थे। तो आज 10 अप्रैल 2020 को सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस और अपडेट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे क्या प्री बोर्ड का एग्ज़ाम करके जो मार्क्स हैं उनके आधार पे रिज़ल्ट निकाला जा सकता है, या मिड टर्म या प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के आधार पर, और इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख लें। और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बताए गए थे, जिसमें 9th और 11th के रिज़ल्ट से संबंधित और 12th के फॉरन जो स्टूडेंट्स हैं उनके संबंधित सारे क्वेश्चंस थे। तो आज मैं उससे आगे के जो क्वेश्चंस नए अपडेटेड हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। आप इसको ध्यान से देखें और techysirji यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीबीएसई से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड या काउंसलिंग या करियर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो 23वां जो क्वेश्चंस हैं वो है कि प्रेस रिलीज में बताया गया था कि 10वीं कक्षा में कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम अब नहीं लिया जाएगा, तो क्या उन उच्च कक्षाओं में छात्र कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, यानी कि 11वीं या 12वीं में वो ले पाएंगे? तो इसके आंसर में सीबीएसई ने बताया है कि जिन विषयों में एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे उनके सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे, पक्के जारी किए जाएंगे, और वो कैसे उनकी मार्किंग होगी इसके बारे में जो सीबीएसई अलग से पॉलिसी बनाएगी और बाद में उसका अपडेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है कि सीबीएसई हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि सीबीएसई अब रीजनल लैंग्वेज के पेपर नहीं लेगी कोई भी, तो छात्रों का भविष्य इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, तो क्या आंसर है? तो छात्रों का इससे कोई भविष्य प्रभावित नहीं होगा, और जो भी लैंग्वेज के जो पेपर हैं उनका जो आंसर है, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब कंडक्ट नहीं होंगे, और उनकी जो मार्किंग है वो एज़ पर सीबीएसई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी और उनके सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे, इसलिए घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। 25वां जो क्वेश्चन है कि जिन पेपरों का एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या उनको प्री बोर्ड के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे? ये बड़ा ही क्वेश्चन है कि कुछ एग्ज़ाम्स को ऐसा है कि 29 एग्ज़ाम्स को ही लिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम नहीं होंगे उनका जो आधार है वो प्री बोर्ड के आधार पर लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर दिया गया है कि इसके लिए कि वो कैसे उनका आंसर, कैसे उनके मार्किंग होगी, कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके लिए अभी बोर्ड ने कोई डिसाइड नहीं किया है, तो फर्दर उसकी जानकारी आगे दी जाएगी। 26वां है कि सीबीएसई को 4 एग्ज़ाम लेने चाहिए और रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है और उससे उनका जो भविष्य है वो बहुत ही प्रभावित होगा। वो सीबीएसई ने बताया है कि सीबीएसई छात्रों का हित का ध्यान रखेगी और पहले इसके बारे में रिजल्ट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, सीबीएसई उन विद्यार्थियों का हितों का ध्यान रखेगी। 27वां जो क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि बचे हुए एग्ज़ाम को नहीं लिया जाए और रिजल्ट को जो फाइनल रिजल्ट है उसका प्री बोर्ड के आधार पर ही बना लिया जाए? वो बच्चों के हित के लिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में कि प्री बोर्ड के या मिड टर्म के आधार पर ही एग्ज़ाम्स का रिजल्ट दे दिया जाए, तो अभी इसमें भी कोई भी नहीं है फाइनल, और कमेटी जो भी बनेगी वो इसके लिए जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है उसके आधार पर इसको डिसाइड करेगी, और ये बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं होते और प्री बोर्ड और मिड टर्म में उनके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, तो इस तरह की पॉलिसी में काफ़ी बच्चे फेल हो सकते हैं, इस तरह की पॉलिसी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आप क्या चाहते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या मिड टर्म के आधार पर ही फाइनल टर्म का रिजल्ट तैयार कर देना चाहिए, या आपका कोई और क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब हमारा 28वां क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के कारण 11वीं और 12वीं 11वीं और 9वीं कक्षा के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए गए थे,
लेकिन 1/4/2020 की प्रेस रिलीज के अनुसार उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो क्या जिन्होंने लॉकडाउन से पहले रिजल्ट बना लिया था, तो क्या और वो उसमें कुछ बच्चे पास नहीं हो पाए थे, तो क्या प्रेस रिलीज के अनुसार ही उनको पास किया जाएगा? मतलब क्या उनके मिड टर्म के आधार पर उनका रिजल्ट बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, इस तरह का कोई नहीं किया जाएगा। जो प्रेस रिलीज से पहले अगर कोई एग्ज़ाम हुए हैं तो उनकी जो प्रमोशन पॉलिसी है वो पहले की पहली ही बनी रहेगी, नई प्रमोशन पॉलिसी उसमें लागू नहीं होगी। 29वां क्वेश्चन है कि स्कूलों ने लॉकडाउन से पहले एग्ज़ाम ले लिए थे लेकिन रिजल्ट नहीं दिया था, तो क्या 1/4/2020 की प्रेस रिलीज के अनुसार उन पर लागू होगी और उनका रिजल्ट बनाने के लिए ये फॉलो किया जाएगा? तो प्रेस रिलीज से पहले अगर एग्ज़ाम हो गया है और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो प्रमोशन पॉलिसी पुरानी ही लागू होगी, नई इसमें लागू नहीं होगी, ये ध्यान रख लीजिए। सभी बच्चे जो 11th के हैं, 9th के हैं और जो 12वीं और 10वीं में जाने वाले हैं, वो ये ध्यान रख लिए कि उनका रिजल्ट उसी के अनुसार बनेगा पेपर जो हुए हैं। अब 30वां, स्कूलों ने लॉकडाउन से पहले पेपर नहीं लिए थे तो क्या स्कूलों को 1/4/2020 की प्रेस रिलीज के अनुसार रिजल्ट बनाना पड़ेगा? हाँ, अगर पेपर पहले नहीं हुए हैं तो CBSE की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही स्कूल पेपर आंसर जो रिजल्ट है वो तैयार करेंगे। 31वां क्वेश्चन है कि क्या विद्यालय ऑनलाइन मौखिक एग्जाम ले सकते हैं? जैसा इसमें बताया गया कि अगर बच्चे पास नहीं हो रहे हैं तो स्कूल ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकते हैं, तो इसमें आंसर जो CBSE ने दिया कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी देश बहुत ज़्यादा परेशान है और इस तरह की रेयर कंडीशन में इस तरह की नई इनोवेशन एग्ज़ाम्स लेने के लिए वेलकम किए जाएंगे, तो इसके बारे में भी अभी डिसाइड किया जाएगा। तो 32वां जो क्वेश्चन हैं कि ये भी पहले ही क्वेश्चंस कर लिया गया है कि FAQs में इसके बारे में, प्रमोशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है कि कैसे किया जाएगा, तो प्रमोशन पॉलिसी जो पहले वाले पेपरों में ये लागू नहीं होगी। अब 33वां जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। आप इसमें देखिए, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दो सब्जेक्ट हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। CBSE ने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए मना कर दिया था और सर्कुलर डाला था कि ये दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, और बच्चे कह रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को ही एक साथ उसका कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। तो CBSE ने क्या इसमें कुछ डाटा दिया है? CBSE ने कहा कि 2002 और 2003 में बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको प्रमोट करने के लिए CBSE ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात की कि इसको MBBS के एडमिशन के लिए इसको मान्यता दी जाए, और MBBS ने इसको अमेंड करके मान लिया MBBS के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। अब बायोलॉजी के 2020 में जो टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको लिया वो 2,67,705 स्टूडेंट थे, जबकि बायोटेक्नोलॉजी को केवल 2,727 बच्चों ने 12वीं में अडॉप्ट लिया और 873 बच्चों ने दोनों दोनों को ही लिया। तो इससे ये जाहिर है कि दोनों ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इनका कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। अब 34वां क्वेश्चन है वो आपकी प्रमोशन पॉलिसी के तहत है कि 1/8 तक के बच्चों के लिए क्या और अन्य प्रमोशन पॉलिसी आएगी? नहीं, इसमें प्रमोशन पॉलिसी और कोई नहीं आएगी। 8वीं से बच्चों को CBSE के अकॉर्डिंग इनको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चंस थे और आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन CBSE भी देने की कोशिश कर रही है, उन्होंने काफ़ी अच्छा एफर्ट्स किया है इसके लिए और वो लगातार अपडेट कर रही है। तो आप रोमर्स पे ध्यान ना दें और पेपर होंगे या नहीं होंगे CBSE के रिमेनिंग और कैसे होंगे, एग्जाम सेंटर कैसे होंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन हमने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं जिससे आपको अपनी जो सॉल्यूशंस है वो मिल जाएं और आपके डाउट्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएं। आप टैगी सर जी यूट्यूब चैनल पर बने रहें और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि जो बच्चे 11th 12th 9th और 10th के अनसर्टेनिटी में हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करेंगे,
उनके कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो टैकी सर जी यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू टैकी सर जी।